हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था जी, मैंने आपको पेपर का बोर्ड बनाकर दिखाया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि नवरात्रि का टाइम तो चल ही रहा है, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा जी, मैं मेरी देवी माँ की मूर्ति कैसे बनवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, वो भी पत्थर से। सबने वैसे ही मूर्ति खरीदी होगी, फोटो खरीदी होगी, पर मेरा नया स्टाइल है, मैं ऐसे वाले पत्थर को देवी माँ बना सकता हूँ। चलो फिर वही देखते हैं आज। पहले इन्हें वैसे ही रखे, फिर इन पर हम जो खेलते हैं क्ले उसे ले। ऐसे हल्दी सिंदूर से करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, मैं सिर्फ सिंदूर यूज़ किया, पर हल्दी नहीं। हल्दी अगर यूज़ करेंगे तो वो चेहरे में वो सारे क्रैक्स आ जाएंगे और वो अच्छा नहीं लगेगा। क्ले होगा तो वो बहुत ही अच्छे से इवनली तरीके से वह सेट होकर रहेगा, जो बहुत अच्छा होगा। सो मैंने यही चूज़ किया है, आप भी इसे ही ऐसे चूज करें। और फिर ये मशीन की जगह रख दें। और फिर अभी इन कौड़ियों से इनकी आंखें, नाक, मुंह सब बनाना है ऐसे। ये गलत जगह लग गया। आप चेहरे से बाद में थोड़ा बहुत हटा बटा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा ठीक है, बट मेक श्योर जो ये ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ही है, इसलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। और इससे बनेगी नाक, इस मिडिल से बनेगा मुंह, और इन दोनों छोटों से बनेंगे उस मुंह के नेक्स्ट कोर। देखिए कितना प्यारा मुंह बन गया है। और अभी ये जो लोहे की जो रिंग है, इसे थोड़ा सा साफ कर लीजिएगा, नहीं तो ये गंदा भी हो सकता है कई बार। पर देख के, अगर कभी कभी शार्प होता है तो इससे भी हाथ कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सो प्लीज़ इसे ज़रा देख के कीजिएगा। और फिर इसे इनके नाक के फूल के तौर पे लगा दीजिए। ऐसे हुए, फिर इनके जीभ निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर इनके जो बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे इनके कान बन जाएंगे। और फिर बाकी चेहरे को भी आप सही कर दें। और बाकी जो सिंदूर है इसे लेकर अभी बस टीका लगाना है, अच्छे से हाथ को पर लाल करना पड़ेगा इस काम के लिए। तो आप भी इसे जरा देख कर भी करें। और बाकी हटा दें इसे। हो गया। और बाकी अब इसे ज़्यादा इसे के उगने से पहले इसे साइड में रख लीजिए, नहीं तो घर गंदे होने के काफ़ी चांसेस होते हैं इससे। देखिए मेरे माँ जी बन गए हैं और अभी हम इन्हें सजाएंगे। इसके लिए मैंने ये फूलों की माला बनवाई है। और फिर इनका ये फेवरेट फूल है जो इनके सर पे लगेगा। और बाकी ये चार फूल इनके इसी सामने के कोने को सजाने के अच्छे काम आएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप मुझे ये ज़रा कॉमेंट सेक्शन में ज़रा बताएं मुझे ये मेरे माता आपको कैसे लगे। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे नैतिक रंजन के लाइफ स्टाइल के चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको पहले ही मिल सके। और फिर उसके बाद
मैं आपको बात बता दूँ जो दशहरा के लिए आपको मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।